करीब 2 साल की सेवा के बाद दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सत्य प्रकाश झा शनिवार को भारी मन के बीच सभी को अलविदा कर बिरौल के लिए प्रस्थान कर गए। उनकी विदाई और नए थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद के स्वागत के लिए थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न थानाओं के प्रभारी के अलावा समाज सेवा से जुड़े कई नामचीन लोग भी मौजूद थे। सभी ने फूलमाला पहनाकर जहां नए थाना अध्यक्ष का स्वागत किया, तो वहीं भारी मन से सत्य प्रकाश झा को विदा किया। आज का हालांकि हम विदाई समारोह अधिकांशतः नहीं हम उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, कुछ यादें या हम बता नहीं सकते इस चीज़ को। मन में तो यह रहता ही है कि इतना दिन यहाँ से इसको सजे के संजोग करके इस जगह को रखे यहाँ से जा रहे हैं, तकलीफ तो थोड़ी मन में होती ही है। कोई कहे कि नहीं है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई आदमी अपने घर को जब सजाता है, बनाता है, उसको छोड़ के जाता है, चिड़िया भी अपना घोंसला छोड़ के जाती है तो थोड़ा तकलीफ होता ही, फिर नया घोंसला बनाता है वो दुख की घड़ी तो है। लेकिन यह विभागीय प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को है कि हमेशा नए नए जगहों पे जाके उस जगह का जो भी समस्या है उसका समाधान करना है, उसमें लगना है। मेरा यहाँ पे 2.25 साल का कार्यकाल रहा, इससे पूर्व में नगर थाना में भी 1.5 साल रहे और टेक्निकल सेल के माध्यम से 5-6 महीने जिला मिला जुला के हम करीब 5 साल के आसपास इस जगह पे यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे 5 साल से नगर थाना के लोग, विश्वविद्यालय थाना के लोग सभी एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिला, शांति समिति के लोग। इसमें मेरा एक खास अनुभव ये है कि यहाँ के लोग अमन पसंद हैं और कानून को मानने वाले हैं। हम बगल के समस्तीपुर जिला में भी थे, शिकायत नहीं है, लेकिन एक मेंटलिटी आम यहाँ पे ये है, सोच है कि हर काम कानून के तरीके से हो। आदमी अगर यहाँ लगता हो, बहुत छोटी बातें ऐसी आती है थाना में जो हास्यपद लगता है कि छोटे छोटे बात है, लोग कैसे थाना में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये तो इतनी छोटी बात है कि थाना में आनी ही नहीं चाहिए और बगल के जिला में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे यह मानना मेरा ये है, इसका पॉजिटिव थिंग ये है कि यहाँ के लोग कानून को मानने वाले हैं, हर चीज़ वो कानूनी तरीके से चाहते हैं कि समाधान हो। अगर दो भाइयों के बीच में है तो भाई का ठीक है, भाई का तो मैटर है ही, लेकिन जहाँ पे कोई हिंसा होने वाली है या कोई विवाद है तो उसमें जो सिस्टम है हमारा, पुलिस या प्रशासन, उसका इन्वॉल्वमेंट हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। तो सर के लिए भी यह बात है कि आवे लोग तो ज़रूर सुनिएगा उनको, वो चाहते हैं कि कानून से हमारा समाधान हो और यह हम चाहते हैं। कानून का शासन है तो कानून से अगर कोई आदमी एक पक्ष रखता है कि हम कानून से उसका समाधान करें तो ये अच्छी बात है। एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ सिस्टम का निर्माण तभी होगा कि जब हम सिस्टम से काम करें और यहाँ के लोग सिस्टम को मानने वाले हैं। दूसरी बात कि काम करने के क्रम में इतनी हमारी नज़दीकियाँ, इतना संबंध इतना गहरा हो गया कि बहुत ऐसी समस्याएं दोनों जगहों पे हमारे साथ हम फेस किए हैं। चाहे नगर थाना में रहे तो एक सेनापत मोहल्ला का मामला हुआ, कि यहाँ विश्वविद्यालय क्षेत्र में भी रहे थे, हमारे सामने कंकाली मंदिर है, एक अभी हाल में ये घटना हो गई हमारी, एक मंदिर का मामला आ गया। लेकिन यहाँ के लोगों का, यहाँ की मीडिया बंधुओं का इतना हमको सहयोग मिला कि हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और आंखों ही आंखों में ऐसी बातें हो गई, सारे हो गई और लोग उसका समाधान मतलब इतना आसानी से कर दिए कि हम नहीं कर सकते। पटना वाले इतना चिंतित थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे होगा, वो वहाँ से चिंतित हैं। हमें निश्चिंत रहा जाए, यहाँ के लोग जो हैं हमारे बहुत सहयोगी हैं, यहाँ की मीडिया बंधु बहुत उसको कोऑपरेट करेंगे और सारा समाधान 2 मिनट में हो जाएगा, देखिए। अब और संजोग ऐसा रहा कि शाम तक सारा मामला शांत हो गया।
तो यहाँ के लोगों को इस सहभागिता में, हमारे इस कठिन परिस्थिति में सहयोग देने के लिए नजर आएंगे। पुलिस का काम एक टीम वर्क के साथ काम होता है। फुटबॉल के खेल में जो फर्स्ट फॉरवर्ड खेलते हैं ना, उन्हीं का नाम ज़्यादा होता है, लेकिन जो मिडिल से और जो बैक से खेलते हैं उनका भी ज़्यादा बहुत बड़ा योगदान रहता है पूरी टीम में सफलता प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अकेले कोई काम करते हैं, ये पूरी टीम का, कोई भी अगर हम सफलता प्राप्त करते हैं तो पूरी टीम की सफलता होती है। और इसी विश्वास साथ हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं कि वहाँ भी जो भी होगी पूरी टीम के साथ हम वहाँ पर काम करेंगे, हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से काम होगा और बेहतर हमारा जो समय है। आज इस विदाई सम्मान समारोह में जो आप लोगों ने सुझाव दिया है, कुछ बिंदुओं पर आप लोगों की तरफ से हमको सुझाव प्राप्त हुए हैं, उस पर पूरी चुस्ती मुस्तैदी और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मैं खड़ा हूँ। सत्य प्रकाश जी की कमी महसूस नहीं होगी? हाँ, उनका तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि इनसे मैं सलाह मशवरा कोई भी बात का अग्रसर रहूँगा, और ये मेरे छोटे भाई के समान है, जब से रहेंगे।